और शुगर कितना 700-800 शुगर, माने उसको HbA1c कहे तो 14 से 16 के बीच में। लेकिन अब इसको बिना इंसुलिन लगाए हमने शुगर ठीक कर दिया। इधर ये जो दाएं तरफ आप देख रहे हो ना, ये पादमर्दन कर रहा है, करेला नीम के ऊपर ऐसे चलाते हैं। अभी चलाते चलाते इसे तो कचुमर निकालेगा, थोड़ा रगड़ो। इसको हमने ये वो कर रखा है, पेस्ट बना रखा है। इस पर आप चलो जी, ये तो सीमा है। तुम्हारा शुगर कितना था? 404। कितना? 404। और अब कितना है? अब नॉर्मल है। क्या एलोपैथी कोई दवाई नहीं? नहीं कोई दवाई। तो क्या लिया? पहले मधुग्रिट और मधुनाशिनी मधुग्रिट से। और तेरा शुगर कितना था? 800 प्लस चला जाता था। 800 प्लस था। कहाँ से हो बेटा? बिहार से। नाम क्या है? शिवम। और इंसुलिन कितने ले रहे थे? इंसुलिन 80 प्लस थी। 80 प्लस। अब कितनी देर होगी इंसुलिन लिए? एक साल हो गया, कोई इंसुलिन नहीं है और शुगर 100 के नीचे रहता है। ये तो बड़ी छोटी उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले हमारे बाबा जी, क्या नाम हुआ बाबा? सत्यनारायण जी। इसके पीछे विजय बैठे हैं और सबसे प्यारी तो अम्मा इधर बैठी है, है? उषा रानी। कितनी इंसुलिन लेते थे? मैं तो पहले बड़ी लेती थी, अब 5 साल से ले रही हूँ इंसुलिन। लो, 5 साल से ले रही थी और इसकी बेटी बैठी है। कितनी लेती थी तेरी अम्मा? 30 यूनिट इंसुलिन ले रही थी। अब छूट गई अम्मा की, आपको प्रेशर कर रहा है इनको, तो ये मैं चल नहीं सकती, चलेगी भी। और ये देखो, ये है अवधेश, इसको तो बीपी शुगर 250-250 अब बंद हो गया, और थायराइड भी। अब इसको ये बंद कैसे कराते हैं? मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि 10-10 मिनट कराते हैं। जो काम WHO, जो काम पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम हमने कैसे करके दिखाया? सदाबहार के फूल या पत्ते, खीरा, करेला, टमाटर, और इसमें और बहुत कुछ है, ये सब बताने वाले हैं आपको। और ये जूस हम सबको पिलाते हैं, बच्चों को भी ये जूस पिला देते हैं। इसमें खीरा, करेला, टमाटर, ये और जो है ये बहुत कड़वा नहीं लगता है? कुछ लोगों को लगता होगा कि जो है ये करेला बहुत कड़वा लगता होगा, बहुत कड़वा नहीं लगता है। मैंने खुद पी के देखा है ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और देखो बाबू, ये मैं भी पीता हूँ और आपको भी पिलाता हूँ, ठीक है ना? ये आप पी जाओ। अब ये बच्चा इतना अच्छा है, इसको पी जाता है, और ये पीने में ना बड़ा टेस्टी लगता है। ये मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं खुद भी पीता हूँ इसको, मेरे को तो शुगर नहीं है, तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। गटा गटी भी पी रहा है और मैं भी पी गया। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा आंवला डाल सकते हैं इसमें, सदाबहार। और देखो सदाबहार, ये चिरायता, फिर ये रतपितिया, ये पहाड़ में होता है। देखो ये ऐसे है, ये हमारे पूज्य स्वामी विदेहदेव जी खोज करके लाए इसको। एक पत्ता खा लो, एक पत्ता, ए मैया ले, हाँ खा ले इसको, धीरे 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 चूसना, धीरे धीरे जी पर, बस बस ऐसे लगा के छोड़ दे बस। ये देखो रतपितिया, फिर ये है चिरायता, ये नीम, ये एलोवेरा, ये इंसुलिन का पौधा है, ये इंसुलिन का पौधा है, ये सदाबहार है, गुड़मार है, ये गुड़मार है, ये जो लता है ना ये पूरी, ये गुड़मार की लता है। इसको मुंह में ऐसे डालो ना, एक पत्ता ऐसे इसका मुंह में डाल लेते हैं ना, बाद में गुड़ भी खाओ तो कड़वा लगता है। अब चलो एक बात और बताता हूं, हम क्या करवाते हैं इसके अंदर, मेथी का पानी पिलाते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, इसके तो मूंछ भी आ गई है। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, अब एक सब्जी खिलाते हैं, ये देखो गाय का घी सबको हमने देशवासियों को उपलब्ध करा दिया, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और कुछ नहीं डालते, जीरा। और इसके अंदर जीरा भुनने के बाद जिसको डालना हो हींग आदि या थोड़ा बहुत हल्दी, अदरक आदि थोड़ा सा डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हल्का सा लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा प्याज हल्का सा थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर क्या डाला इसके अंदर, अंकुरित मेथी 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 100 ग्राम, और इसके अंदर ये हल्दी, ये जो है ये करीब 20-25 ग्राम हल्दी, 20-25 ग्राम, और एलोवेरा 50 ग्राम।
जितनी मेथी उससे आधा एलोवेरा डाल दे और इस एलोवेरा, अब देखो ये इतनी ज़बरदस्त सब्जी बन गई है, ये तड़का लग गया है। अब इसको धीरे 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 आंच पर पकाएंगे और इधर जो है एक काढ़ा बना रहे हैं। अब काढ़ा जो है ये इसको ऐसे भी पी लेते हैं, मेथी बड़ी अच्छी लगती है। अब इसको मेथी के अंदर ही, अब देखो ये है पूरे राजस्थान में होता है, इसको बोलते हैं इंद्रायण गरमुंडा, इंद्रायण, इंद्रायण को डाल दिया, इंद्रायण डालो, इंद्रायण का काढ़ा, इंद्रायण, इसी में थोड़ी कुटकी, इसको थोड़ा कूट करके इसको डाल दो, कुटकी है, जामुन की गुठली है, चिरायता है, ये इंद्रायण के बीज हैं, ये इंद्रायण की जड़ है और ये काली जीरी है, इन सब को ऐसे कूट करके और इसके अंदर डाल देते हैं और इसका काढ़ा बनाओ। काढ़ा और ये जो बाकी चीज़ें बताई इनका जूस बना करके पिलाते हैं। मधुनाशिनी और मधुग्रीट इसको लेकर के खिलाते हैं। अब ये तो सारे लाइव एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पर बैठे हुए, पादमर्दन इधर चल रहा है और इससे मैं कह रहा था मधुनाशिनी मधुग्रीट कोई दवाई का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो कोशिश ये करते हैं कि बिना मधुनाशिनी मधुग्रीट के भी लोग ठीक हो जाएं। और ये सब्जी देखो इतनी ज़बरदस्त है, इसको देखने में ही नहीं खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी है। और इसमें प्रोसेस पूरा मैंने बता दिया आपको, पूरी दुनिया में पतंजलि एक संस्थान है जहां पर इंसुलिन छोड़ाया जाता है, 10% लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, 10% लोगों को बॉर्डर पर है, पूरी दुनिया के करीब 900 करोड़ के करीब आबादी है और उसमें से करीब 100 करोड़ के लोग डायबिटीज की गिरफ्त में हैं, या तो बॉर्डर लाइन पर या डायबिटीज हो चुकी है और उनका समाधान योग आयुर्वेद में है। अब तो ब्रिटेन का भी NHS नेशनल हेल्थ सर्विस, उन्होंने कहा कि हमको 10,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहिए, योग आयुर्वेद का सनातन दुनिया में है। इसमें बहुत जबरदस्त चीज है, मंडूकासन पवन मुक्तासन कराते हैं, पेट पर मिट्टी पट्टी भी लगाते हैं और ये कैथेटर ये नीचे लगा करके, और ये देखो अब यहाँ ये बस्ती कर रहे हैं, NS में लगाते हैं इसको और ये सारा जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये सारा अंदर चला जाता है, 250 से लेकर के 500 ग्राम तक ये हम ये बस्ती दे देते हैं। और ये बस्ती अब जैसे यहां से दे रहे हैं ना तो ये पूरा अंदर चला जाएगा इसके। अब कोशिश तो ये होती है हमारी, ऐसे ये होता है, इसमें काढ़ा बनाते हैं जो अभी आपको काढ़ा बता रहे थे डायबिटीज के लिए, और इसमें मधुनाशिनी मधुग्रीट और मिला देते हैं और फिर ये जब अंदर चला जाता है तो करीब 15-20 मिनट होल्ड कर लेते हैं। तो बस्ती से, मंडूकासन से, योग मुद्रासन से करो, बाबा योग मुद्रासन करो, योग मुद्रासन करो, चलो उधर देखो मंडूकासन करो, ये मंडूकासन, और इसी से ही मंडूकासन, योग मुद्रासन ये सब करवा करके और ये बाएं हाथ में ये पॉइंट दबा करके, बाबा इधर देखो विजय बाबा, हा? ये विजय इधर बैठा है और ये हाँ वीरेंद्र जी, और देखो ये तो सत्येंद्र, सब ऐसे ही डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, इंसुलिन छोड़ सकते हैं, बस योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी की शरण में आइए और सब तक ये संदेश पहुंचाइए कि जो WHO नहीं कर सका, जो वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, वो काम योग आयुर्वेद से हो रहा है। एक लास्ट बात, योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की, और मैं कहता हूं पूरी मानवता की हानि दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जन लोगों की उदासीनता से ज्यादा होती है। आप उदासीनता छोड़िए और ये योग का जो हम रोज आपको 5-7 मिनट में पूरा सार तत्व बताते हैं कि कैसे हम सब रोगों से मुक्त होकर, योग से युक्त होकर के अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। मेरे साथ रोज 9 बजे जुड़िए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए और योग धर्म को, सनातन धर्म को युग धर्म बनाने में अपनी एक भूमिका निभाइए, मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी।